नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल वेलफेयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं क्रेन के साइट पे, जहाँ पे आज हमारे ट्रेनर क्रेन के रिविंग के बारे बताएंगे, उसके एक एक सिस्टम को बताएंगे, कैसे हम लोग काम करते हैं, किस तरह से सेफली काम कर सकते हैं। आइए मिलाते हैं हमारे ट्रेनर सर से, वो अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे और आज किस टॉपिक में वो बताने वाले हैं वो आप सभी को खुद से बताएंगे। बताइए सर। गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सैफ है। आज हम लोग क्रेन के रिविंग के बारे में जानेंगे, तो उसके बारे सारे लड़कों को बताएंगे। क्रेन का रिविंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि हम लोग का जितना क्रेन का लोड है उस हिसाब से हम लोग को अगर सामान उठाना है, हमारा वायर उतना है और उतना पुली, जैसे नीचे अगर 5 पुली है, ऊपर भी 5 पुली है, देखिएगा सबको गौर करिए, एक एक करके 5 पुली इधर है, 5 पुली नीचे है, एक वायर पे आपका 2.5 टन का लोड मिल रहा है। तो आपका क्रेन है 25 टन का, 5 पुली है, एक पुली से देखिए यहाँ से सेंटर से एक ही वायर आ रहा है खाली, ठीक है, उसके बाद ये ऊपर जा रहा है, दूसरे पुली पे जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर। ये अभी 4 फॉल है, 2 इधर है 2 इधर है, ठीक है। तो अभी ये कितना लोड दे रहा है हम लोगों को, कितना कैपेसिटी दे रहा है, 10 टन का लोड दे रहा है हम लोगों को। अगर हम लोग को इससे सामान 12 टन या 15 टन या 20 टन का उठाना है तो हम लोग को ये चीज़ का वायर जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा, फॉल उसका बढ़ाना पड़ेगा। फॉल को बढ़ाने के लिए हम लोग ये सबसे पहले ये पिन खोलेंगे, फिर ये खोलेंगे और ये खोलेंगे, उसके बाद नीचे में जो है आपका इस तरफ आइएगा तो यहाँ पे भी वैसी पिन है, स्प्लिट पिन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये पिन खोलिएगा, स्प्लिट पिन को क्या क्या पिन बोलते हैं सर इसको? स्प्लिट पिन बोलते हैं। स्प्लिट पिन जी, स्प्लिट पिन खोलेंगे, इसको प्लास से पतला करके मतलब सटा कर उसके बाद उसको नीचे से सटाएंगे तो खुल जाएगा, निकल जाएगा। इधर पे भी है पिन, सेम जितना पिन है, जहाँ पे जहाँ जहाँ पिन है आपको वो सब फ्री कर लेना। पहले ये पिन आप खोल लिए, फ्री हो गया आपका। ये स्प्लिट पिन है, इसको हम लोगों को खोलना है जहाँ जहाँ पे लगा हुआ है, जितने जगह पे ऊपर बूम हेड में और आपका हुक ब्लॉक में जितना भी लगा है स्प्लिट में सब खोल लेना है, उसके बाद आपको ये पिन खोलना है। स्प्लिट पिन है, इसे भी खोलना है, उसके बाद इसको पिन को जो है इसका निकाल लेना है बाहर। पिन निकल गया, ये आपका वायर जो है ये फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो गया। अब इसको आप एक आदमी ऑपरेटर जो है वहाँ पे ऑपरेटर बैठेगा ऑपरेटिंग सीट पे, नीचे जो है आपका रिगर है वो बैठेगा, वो यहाँ से आपका वायर को उठानेगा बाहर। ये आपका मेन वायर है जो कि आ रहा है यहाँ से, ऑपरेटर वहाँ पे बैठेगा, वो आपका वायर डाउन करेगा, नीचे जो रिगर रहेगा वो इस वायर को पकड़ेगा, जो मेन आपका वायर क्रम से खुलकर यहाँ पे आ रहा है इसको पकड़ कर उठानेगा अपनी तरफ, ताकि जो है आपका वायर जो है ड्रम में ना लग जाए, वहाँ पे पहला पुली में वायर आया, नीचे भी पहला पुली में, जिस जिस पुली में ऊपर लगा रहे हैं सेम उसी पुली में जाना चाहिए वायर। जब पहला पुली नीचे तक गया, ऊपर आया तो दूसरा पुली में चढ़ेगा वायर, वैसे करते करते जब लास्ट एंड में जाएगा तो यहाँ आकर के आपको ये जो पिन है उस पर लॉक कर देना है, उसमें आपको यहाँ फंसाना है, ये वापस पिन डालना है और इसको लगा देना है लॉक पिन को। और ये सारा काम के वक्त आपका एक आदमी जो है वो इस वायर को टान के रख देगा, एक आदमी जो है एक रिगर जो है वो इस वायर को मेन जो वायर आ रहा है जहाँ से उसको टान कर रखेगा रहेगा, और दूसरा आदमी जो है रिविंग करेगा इधर ऊपर ऊपर से नीचे नीचे को ऊपर, क्योंकि अगर इसको लूज करिएगा तो वहाँ पे जाकर वापस हमने। अगर आप लोगों का कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग सर से कर सकते हैं। कुछ सवाल है? यस सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलफरोज अंसारी। कहाँ से हैं दिलफरोज आप? सर मेरे को पालमपुर जिला का बिहार से रहने वाला हूँ। अच्छा, कैसा थ्योरी प्रैक्टिकल सब अच्छे से चल रहा है आपका? बहुत अच्छे से चल रहा है, मेरा कंप्लीट भी हो गया है। ठीक है, सर से क्या क्वेश्चन है अभी? सर से क्वेश्चन यही है सर, इसमें 25 टन का हम वायर ऑफ लगा देंगे तो ये 25 टन का लोड उठा सकता है या नहीं उठा सकता है? ठीक है, इसका जवाब आपको हमारे सर देंगे, मिलते हैं हमारे ट्रेनर सर से। बताइए सर, 25 टन का वायर आप इसमें लगाते हैं, 25 टन का वायर आपका वायर का जो है थिकनेस वो एक रहेगा, आप फॉल बढ़ा लिए आपका वायर कैपेसिटी दे रहा है, वायर दे रहा है कैपेसिटी 25 टन का, लेकिन आपका गाड़ी जो है वो आपको रेडियस अगर उसके मुताबिक मिलेगा तो ही आपको 25 टन का कैपेसिटी देगा। तो दर्शक, ये थी आज की ट्रेनिंग, मिला हमारे ट्रेनर सर, बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स को बताया। अगर आप भी एक कामयाब ऑपरेटर बनना चाहते हैं, काम सीख के काम पे लगना चाहते हैं, बिकॉज वेलफेयर इंस्टीट्यूट आपको काम सिखाएगा भी और गारंटी के साथ काम पे लगाएगा भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसको देश के कोने कोने तक शेयर करें देश की भलाई के लिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।